नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। छठवीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। कॉप अपेरल्स मुकेरीगंज आजमगढ़, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, बाय वन गेट थ्री फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़, ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए आजमगढ़ से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। वो आईएसआईएस के रिक्रूटर के सीधे संपर्क में था। एटीएस यूपी ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि उक्त आतंकी का नाम सबाउद्दीन आजमी है, जो आजमगढ़ के अमलो मुबारकपुर का रहने वाला है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन व अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस द्वारा स्वतंत्रता दिवस की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार यूपी एटीएस की समस्त टीमों को अलर्ट करते हुए रेडिकल तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसी क्रम में यूपीएटीएस को सहयोगी एजेंसी से सूचना प्राप्त हुई कि अमीनो मुबारकपुर जिला आजमगढ़ में एक व्यक्ति अपने साथियों के माध्यम से आईएसआईएस विचारधारा से प्रभावित होकर व्हाट्सएप एवं विभिन्न सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा है एवं अन्य लोगों को भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आरोपी को पूछताछ के लिए मुख्यालय लाया गया था, जहां पूछताछ एवं मोबाइल डाटा खंगालने पर उसके द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा आतंक एवं जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाए गए टेलीग्राम चैनल अल सकर मीडिया से जुड़े होने के प्रमाण मिले। वर्तमान समय में आरोपी सबाउद्दीन AIMIM का सदस्य है। सबाउद्दीन आजमी उर्फ सबाउद्दीन उर्फ सबाह उर्फ दिलावर खान उर्फ बैरम खान उर्फ आजर पुत्र जफर आजम महमूदापुरा वार्ड नंबर 9 अमीनो मुबारकपुर थाना मुबारकपुर का निवासी है। हालांकि सबाउद्दीन के परिजन और उनके पड़ोसी एटीएस की कार्रवाई को सही नहीं मानते। उनका कहना है कि सबाउद्दीन बहुत सीधा साधा था और बुनकर का काम करता था। कक्षा 8 तक पढ़ा है। पांच भाइयों में सबसे छोटा सबाउद्दीन है। इसके वालिद का इंतकाल 2007 में हो चुका है। वह सब्जी और फल बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। बाद में परिवार बुनकरी का काम कर जीविकोपार्जन कर रहा है। परिवार वालों का कहना है कि उसे फंसाया गया। सबाउद्दीन के साथ ही यूपीएटीएस ने कस्बे के दो युवकों उमर और जीशान को भी उठाया था, जिनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण लखनऊ बुलाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। दोनों युवक भी बुनकर का काम करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यूपीएटीएस की इस कार्रवाई से कहीं न कहीं उनके कस्बा बदनाम हुआ, लोग डरे हुए हैं। आज जो एटीएस ले गई है, जो आरोप लगा रही है, क्या सच्चाई है? मैं इसके नहीं, तुम्हें देखो, हम बिनाई बुनाई का काम लेकर कर रहे थे अपने बच्चों को जी। और उसी हम घर में उसको रखते थे और हम भाजल तो नहीं अपने जाना टहलते टहल दिया देते और सब लोग बच्चों को थे वही है जो है हम भी करते थे, इन लोगों से कराते थे। तो आप लोगों को कोई जानकारी ना है? ना कुछ नहीं जानकारी किसी को, न वैसा लगता रहा न हम लोग का कोनो ही नहीं। अच्छा, काम करते रहे? यही बुनाई, बुनाई का काम। पढ़ाई लिखाई कुछ किए हैं? कितना तक पढ़े हैं? पढ़ाई लिखाई अरे पटना तक पढ़े हुई है। अच्छा, नौ पढ़े हुए। तीन चार दिन पहले ही एटीएस ने यहाँ से उठाया था, कुछ ऐसा है? कई दिन पहले उठाया है उनके एटीएस वाले जब आए थे, कई दिन पहले आ रहे हैं? कई दिन पहले यार, कौन दिन याद नहीं किया मेरे। देखो, तीन चार दिन पहले आ रहे हैं? हाँ, तीन चार दिन पहले आए रहे हैं। तो क्या मांग करेंगे आप, जैसे सरकार से क्या कहेंगे कि आपका लड़का निर्दोष है, क्या कहना चाहेंगे? मांग करें कि कुछ सामान, तो हम तो नहीं जानते हैं, तो सामान है या ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? जो रहा वो पा गए, अब उसके बाद दलाम अगर कर हमसे सवाल करते हैं तो है, नहीं है कुछ भी आकर खोजे। हाँ, तो जो वो आरोप लगा रहे हैं एटीएस वाले, उमन को सच्चाई चाहिए है कि ना है? पुलिस वाले जो कहते हैं कि हाँ इसी आतंकी घटना में शामिल है, कुछ ऐसा ना है? नहीं, देखे हम लोग इतना जाहिल आदमी है, पढ़ी लिखे नहीं, हमसे इतना बात नहीं बनता है। हाँ, जो कुछ हम कह दिया। हाँ, अब इसके अलावा हम सरकार से क्या मांगे? सरकार से क्या मांगे? अब सरकार से क्या मांगे? सरकार क्या मांग दे गए? मेरा बच्चा दे दे उसको, मैं उसको संभालूं। जो गलती किए होगा उसको मैं संभालूं। जो आज एटीएस ने कार्रवाई की है, उससे आप लोग क्या कहेंगे एटीएस कार्रवाई की? वो तो हमको सरासर गलत लग रहा है, क्योंकि ये हमारा जो भाई था ना,
वो कहीं ना तो जाने आने वाला था, बस यही बुनाई का काम करता था घर पे। अच्छा, हाँ, तो इससे खुद ही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, तो कब ले गए उनको एटीएस, कोई जानकारी आपने? बुधवार का दिन था, कौन सी तारीख थी हमको याद नहीं है, मगर बुधवार का दिन था। तो जैसे उनका कनेक्शन ये भी आ रहा है कि उनका ओबीसी की पार्टी से संबंध था, कुछ चुनाव ना लड़ने वाला थे क्या वो? नहीं, उसका तो हमको पता नहीं है कि लड़ने वाले थे कि नहीं, और उसके तो कोई इलेक्शन वलेक्शन आता है जब, तो कोई भी होता है तो किसी को वोट देने के लिए उसके साथ रहता है कि इसको वोट दूंगा उसको वोट देता हूँ, हर कोई सपोर्ट करता है किसी न किसी को, हो सकता हो किसी उसको या किसी को सपोर्ट किया हो, मुझे मालूम नहीं है। विधानसभा में जैसे सुनने में आ रहा है कि ओबीसी की पार्टी में थे ये और प्रचार भी कर रहे थे, वो हमको नहीं मालूम है। अच्छा, जो बरामदगी दिखाई गई है उनके साथ और कई सामान बरामद हुए हैं, तो क्या ये सच्चाई इसमें है कुछ? नहीं, वो तो नहीं मालूम हमको, नहीं मालूम है। नहीं, तो पाकिस्तान से कनेक्शन दिखाया जा रहा है कि ISI से इनके संबंध थे और ये सब गलत है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए थे, ये सब तो गलत बात है। अच्छा, कितनी पढ़ाई वगैरह की है? वही 6-7 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई किया है, ज़्यादा नहीं किया है। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमारे भाई को दे दो, बिल्कुल निर्दोष है। तो जब ATS आए, क्योंकि इधर गांव में अभी तक कोई ये नहीं बता सकता कि कभी किसी से लड़ाई किया हो, झगड़ा किया हो या कि कुछ किया हो, वो बिल्कुल सीधा साधा लड़का खुद ही था और बीमार लड़का था, वो तो बचपन से ही दवा पे चल रहा था। क्या बीमारी उसको थी? उसको दमे की बीमारी है, उसे भी एक बार डेंगू भी हो गया था और उसे बुखार उखार भी उसको बहुत होता था, और उसको दमे की जो बीमारी है बचपन से ही है। तो परिवार में आपके कौन कौन है? हमें लोग भाई हैं, माँ है। कितने भाई आप लोग हैं? 5 भाई हैं। उसको क्या करते हैं आप लोग? बुनाई का काम। वालिद आपके? इंतकाल कर गए। अच्छा, बहुत पहले ही? बहुत पहले ही। अच्छा, तो ये पढ़ाई लिखाई उनकी 8-9 तक हुई है बस? हाँ, बस पढ़ाई लिखाई उतना ही, मतलब उतना ही किया। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके लिए वो भी काम इसी काम में लग गया। घर की हालत देखा तो बुनाई तनाई में लग गया। तो कहाँ से यहाँ से ले गए थे? घर से ले गए थे? घर से आके लेके गए थे। घर से ले गए थे। अच्छा, सुनने में यह गया है कि कई और लोगों को ले गए मुबारकपुर कस्बे से, क्या ऐसे कुछ? कस्बे के बारे में वो तो मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग जब से हमारे घर ही हादसा हुआ हम गए ही नहीं है वहाँ तक। तो क्या बीत रही आप लोगों को? इतना बड़ा बहुत बुरी बीत रही है, पूछो मत। खाना पीना सोना सब हराम हो गया है। क्या कहेंगे सरकार से, ATS से क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे सरकार से, हमारी मांग है कि हमारे भाई को रिहा कर दो, हमको दे दो, हमारी मांग यही है। अभी तक आप कोई यहाँ से आया, आपका लोकल लीडर आपके सपोर्ट में कोई ऐसा आया हो, किसी पार्टी का भी नहीं कुछ ऐसा है? कोई नहीं आया। नहीं आया? कोई नहीं आया। तो AMI वगैरह वो सदस्यता उन्होंने लिया था या फिर ऐसे ही प्रचार कर? उसके बारे में सर हमको मालूम नहीं है। अच्छा, तो सदस्य था या नहीं था उसके बारे में मालूम नहीं है। ये बच्चे को जो है, इनके पूरे परिवार को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। ये बच्चे नॉर्मली थे, अब अधिकारी कोई फॉल्ट पाए होंगे, मगर बच्चे ऐसे नहीं थे। इनके पिताजी सब्जी बेचते थे, कर्जदार हो गए थे, मर गए, मल्ले टोले के लोग कर्जा करके मतलब विदेश भेजा बच्चों को, और यहीं बुनाई करते हैं। मैं यहीं बगल में होटल चलाता था, यही मेरा मकान है बगल में। इनके दादा को भी देखा हूँ, दादी को भी देखा हूँ, माँ को भी, बाप को भी, सबको जो है मतलब बच्चे नॉर्मली थे, और किसी को नहीं मालूम था मोहल्ले टोले में। भाई कोई भी बात ऐसी होती है तो होटल और पान पे मालूम हो जाता है, गांव के लोगों को कुछ ना कुछ सुनगुन लग जाता है, मगर किसी ने मतलब जाना नहीं, न किसी ने देखा है। कहा जा रहा है कि इसे पाकिस्तान की जो एजेंसी है उससे इनके संपर्क थे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए, तो कुछ ऐसा आप लोगों को? भाई मोबाइल है, मोबाइल पर कुछ किए होंगे तो अब कोई नहीं बता सकता, मगर हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ किया होगा लड़का जो है। लेकिन ओबीसी की पार्टी से भी जुड़े हुए क्या? भाई तमाम पार्टियां जैसे इलेक्शन में आती हैं तो हर आदमी मिलता जुलता है, कोई किसी को सपोर्ट में रहता है, कोई किसी को सपोर्ट में रहता है। भाई मेंबर कोई बन जाता है, कोई सपोर्टर रहता है, बस इलेक्शन भर कोई रहता है, कोई हमेशा के लिए बन जाता है, मगर कुछ ऐसी बात नहीं थी। कुछ चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे? चुनाव का मतलब कि BDC लड़ने के लिए मतलब तैयारी कर रहा था, जो मेंबर ही जो है चेयरमैनी का जो है, मगर कुछ ऐसा नहीं था देखने में लड़का जो। क्या मांग है? इसको ATS ने हमें परसों खबर किया रात में, और कल हम लोग निकले, और कल गए हम लोग, तो वहाँ जाके सुबह हम वहाँ से मिले उनसे, तो बोले कि
हम लोग पूछे मतलब किस विषय में लेके आए थे, पहले तो हमें खबर ही नहीं था किस विषय में ले गए हैं, तो वहाँ पूछे बोले कोई नहीं, हम छानबीन करने के लिए पूछताछ करने के लिए लेके आए थे, लेकिन कुछ वैसा संगीत चीज़ हमें मिला नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपने लड़के को लेके जा सकते हैं, हम आप लड़के को आपके हवाले कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? मांझे का नाम जिसान है। आप मामा लगते हैं उनके? जी, मैं उनका मामा लगता हूं। और यहाँ से और किसी को ले गए थे, उसको भी वापस कर दिया? उसको भी वापस किया, एक लड़का और था उसको भी वापस कर दिया। उनके भी गार्जियन को बुलाया गया? उनके भी गार्जियन, उनके गार्जियन और हम दोनों साथ में ही गए थे। अच्छा, तो ये जो कार्रवाई इस पे हुई है सलाउद्दीन पे, इस पे क्या कहेंगे? इसके सर इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, इसके बारे में मुझे ना कुछ जानकारी ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। 22 वर्षीय सलाउद्दीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ा था और नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 9 से सभासद पद के प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान उसने AIMIM के मुबारकपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे शाह आलम गुरु जमाली के लिए प्रचार किया था। वहीं UPATS की इस कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव का कहना है कि सलाउद्दीन AIMIM का सक्रिय सदस्य ओवैसी की पार्टी में अराजक तत्वों, आतंकवादियों और जिहादियों की भरमार है। सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करे, चुनाव आयोग ओवैसी की पार्टी की मान्यता रद्द करे। ATS ने जिस आतंकवादी को पकड़ा है वो MIM का सदस्य है। ओवैसी साहब की पार्टी में इस तरह के अराजक तत्वों, जिहादियों, आतंकवादियों की भरमार है और भारत सरकार को चाहिए कि उनकी पार्टी के इस तरह के छिपे हुए सदस्यों की अच्छी तरह से पड़ताल करे और उनकी चुनाव आयोग उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करे, वरना उनके जहरीले बोल इसी तरह के आतंकवादी पैदा करते रहेंगे और आतंकवादियों के लिए उनकी पार्टी एक पनाहगार का काम करेगी। स्वतंत्रता दिवस व आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही एक दिन पूर्व आजमगढ़ के मुबारकपुर से ATS के द्वारा हुई गिरफ्तारी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दे दिया है। वहीं जनपद के 42 चिन्हित स्थानों पर जहां बैरियर की व्यवस्था रही वहां पर आकस्मिक चेकिंग कराई जाएगी। इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां क्यों आया ये पता किया जाएगा, उसके इतिहास के बारे में जानकारी की जाएगी कि उसके अपने शहर में शोहरत कैसी है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं। इसके साथ ही किरायेदारों के सत्यापन को लेकर वृहद अभियान चलाया जा रहा है। रक्षाबंधन का भी त्यौहार सामने से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सादे ड्रेस में पुलिस वालों की तैनाती की गई। LIU को एक्टिवेट कर दिया गया, एंटी सैबोटेज चेक कराया जा रहा है। जहां भी भीड़ भाड़ वाले स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार, सभी जगहों पर एंटी सैबोटेज चेक कराया जा रहा है। एहतियात के तौर पर जो सतर्कता बरतनी चाहिए वो सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस कोऑर्डिनेशन के तहत इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी समन्वय स्थापित किया गया, जो भी इनपुट्स है उसके आपस में शेयर किया जा रहा है। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग के लिए IT सेल को भी सक्रिय किया गया और पब्लिक डोमेन में भी जो शिकायत मिल रही उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए और कल जो गिरफ्तारी की गई है उसको भी दृष्टिगत रखते हुए सभी जो लोकल हमारे ऑफिसर्स हैं फील्ड के और जो थाना प्रभारी हैं उनको हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। जितने भी लोग ऐसे हैं जो बाहर से जनपद में आए हैं उन सभी का सत्यापन करें किस कारण से वो यहाँ आए हैं, जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के लोकल थाने से संपर्क करके सत्यापन करें। किराएदारों के सत्यापन का एक बहुत वृहद अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें जो भी बाहर के व्यक्ति यहाँ किराए पर रहते हैं उनके स्थानीय थाने से उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, एंटीसीडेंट्स कैसे हैं, कोई मुकदमा तो नहीं है, उनकी आम शोहरत वहाँ पर कैसी है। इसके साथ साथ जितने भीड़ भाड़ के एरिया हैं वहाँ पे सादे वस्त्रों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है देखने के लिए कि कोई संदिग्ध व्यक्ति कहीं ना घूम रहा हो। जो LIU की टीम है उसको एक्टिवेट किया गया है। एंटी सबटाज चेक हम महत्वपूर्ण स्थानों पे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल्स वगैरह जो भी भीड़भाड़ के स्थल हैं वहाँ पे कराएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का भी त्यौहार है और बहुत से बाजारों में भी भीड़भाड़ रहेगी, तो वहाँ भी हम जो एंटी सबटाज चेक है उसको कराएंगे। BDS टीम को भी इसमें डिप्लॉय किया गया है। साथ साथ जनपद में जो 42 पॉइंट हैं जनपद के बॉर्डर पे प्लस अंदर के एरियाज में जहाँ पे हमारी बैरियर की व्यवस्था है वहाँ पे चेकिंग की, आकस्मिक चेकिंग की व्यवस्था की गई है कि कोई भी संदिग्ध टाइप के व्यक्ति अगर उनका मूवमेंट होता है तो पुलिस उनको पकड़े, पूछताछ करे और विधिक कार्रवाई आगे करे। हम लोग जो एहतियात के तौर पे जो सतर्कता बरतनी चाहिए वो सारे इंतजाम कर रहे हैं और इसमें सारी जो पुलिस का कोऑर्डिनेशन होता है जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे लगातार हम बातचीत करते हैं और उनके इनपुट के आधार पर ही हम लोग सतर्कता बरतते हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग करके कई जैसे गलत गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, इस तरह की बातें सामने आई हैं, कई नेटवर्क काम कर रहे हैं, तो उस पे सर क्या कार्रवाई होगी? जो पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अगर कुछ शेयर करते हैं तो उसको पब्लिक देख सकती है, उन सब की हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं
और उसके लिए एक डेडिकेटेड मीडिया सेल हमारे पास है, जिसमें लगातार हम लोग कार्रवाई भी करते रहते हैं। बहुत से मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, बहुत से लोगों को जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके भी पुलिस के पास मॉनिटरिंग के जो अलग अलग तरीके हैं उनके माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मेरा यही अनुरोध है यहाँ इस जनपद के आम लोगों से कि अगर आपके पास कोई भी इस प्रकार का इनपुट आता है, आपको लगता है किसी की गतिविधियाँ संदिग्ध हैं या कोई व्यक्ति आपको लगता है जिसके ऊपर डाउट होता है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, हम उसकी प्रॉपर जांच करेंगे और अगर सही पाया जाएगा तो फिर विधिक कार्रवाई उसमें भी करेंगे। आजमगढ़ में घायल को एम्बुलेंस न मिलने के कारण ठेलिया पर लादकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठेलिया से सीएससी पहुंचे मरीज को डॉक्टर ने रेफर कर दिया, हालांकि रास्ते में घायल ने दम तोड़ दिया। इससे पहले भी 18 जुलाई को अहरौला क्षेत्र में एम्बुलेंस में धक्का लगाने का वीडियो वायरल हुआ था। उस मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सीएमओ से 3 दिन में रिपोर्ट भी मांगी थी। मामला फूलपुर थाना क्षेत्र का है। जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के LIC ऑफिस के सामने साइकिल से जा रहे मैकेनिक राम सिंगार मौर्य को बाइक सवार ने टक्कर मारी थी। इस टक्कर में राम सिंगार घायल हो गए। घायल राम सिंगार को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने जब एम्बुलेंस की मांग की तो बताया गया कि एम्बुलेंस खराब है, जिसके बाद परिजनों ने ठेले पर ही गंभीर रूप से घायल राम सिंगार को लेकर फूलपुर के एक निजी ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया होता तो उसकी जान बच गई होती। जिले के CMO डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी का इस मामले पर कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, यदि अस्पताल के अधिकारी या डॉक्टर की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CMO का कहना है कि यदि 108 को कॉल किया गया होगा तो कोई लापरवाही की गई होगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। 108 की कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है। प्राप्त हुआ है इसमें पास में ही एक्सीडेंट हुआ था, उसको लोग अस्पताल में लेकर आए थे। जैसे चिकित्सालय में पहुंचे हैं उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बाहर से ही चिकित्सक ने इसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन तब तक उसके अटेंडेंट आ गए और उसको पास ही ताहिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहां से अपने आप स्वतः लेकर चले गए। उन्होंने ना तो एम्बुलेंस को कॉल किया और ना तो उनको वो अन्य हायर सेंटर पर जहां रेफर किया गया वहां ले गए। उसके बाद जब उसकी वहां पर ताहिर सेंटर के पास मौत हो गई, तब वो लोग पुनः सत्यापित करने के लिए यहां लाए कि उसके वो जीवन जिंदा है या नहीं। सर, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके पास साधन नहीं है तो एम्बुलेंस के अवेलेबल कराएं? जब तक वो इस सब संबंध में कोई बात होती तब तक वो उनके अटेंडेंट के साथ जो थे वो तुरंत स्वतः ही लेकर चले गए। सर, अभी 15 दिन पहले सर इसका संज्ञान लूंगा। यदि 108 नंबर को कॉल किया गया होगा, कॉल डिटेल्स मैं उनकी लूंगा, 108 नंबर को कॉल किया गया होगा, उनकी तरफ से कोई लापरवाही हुई होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और बाकी चिकित्सक जो ऑन ड्यूटी चिकित्सक थे उनके द्वारा भी जो अगर कोई अनियमितता बरती गई है तो उसके विषय में जांच करके संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे आए दिन एम्बुलेंस गड़बड़ हो जा रही है, धक्का मारा जा रहा है, सर उस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारी इस समय सभी एम्बुलेंस नई हैं, कहीं भी किसी एम्बुलेंस में प्रॉब्लम समस्या नहीं है। विगत समय में एक घटना घटी थी जिसमें केवल माइनर टेक्निकल फॉल्ट के कारण से आपका एम्बुलेंस चलना बंद हो गया था, जिसको तत्काल दूर कर लिया गया था। और वो भी एम्बुलेंस तब खराब हुई थी जब उसने मरीज को वहां पहुंचा दिया था। मरीज को पहुंचाने के बाद एम्बुलेंस में गड़बड़ आई थी, जिसमें मरीज को किसी भी तरह का कोई असुविधा नहीं हुई थी। वो टेक्निकल फॉल्ट तुरंत दूर कर ली गई थी, ऐसी कोई समस्या उसमें नहीं आई थी। जनपद आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय स्थित ANM प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यमंत्री ने बुधवार को ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर सरकार के प्रतिनिधि MLC यशवंत सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी के साथ विभिन्न जिलों की 48 छात्राओं का रजिस्ट्रेशन किया है। यहां 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्राएं स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे पाएंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IIN तिवारी ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार एक प्रधानाचार्य, 4 प्रशिक्षण कर्मियों, 2 सफाई कर्मियों तथा 1 चौकीदार की नियुक्ति कर दी गई। 48 छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया। प्रशिक्षण केंद्र की क्षमता 50 छात्राओं की है। 50% छात्राओं को यहाँ रहने, खाने और प्रशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण से चिकित्सालय में स्टाफ की समुचित व्यवस्था आसान हो जाएगी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि मंडलीय जिला अस्पताल में ANM प्रशिक्षण केंद्र का जीर्णोद्धार पूरा हो गया। इसके लिए 2 फ्लोर तैयार किए गए। प्रथम तल पर सभी के रहने, खाने और ग्राउंड फ्लोर पर ट्रेनिंग दी जाएगी।
यहाँ से प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल के साथ टीकाकरण, जांच, संस्थागत प्रसव व अन्य सहायता के लिए ANM की नियुक्ति की जाएगी। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमा शर्मा शरण पांडे ने बताया कि ANM प्रशिक्षण में सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनी आशा कार्यकर्ताओं को वरीयता दे रही है। इसके लिए 5 वर्ष का अनुभव व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सरकार का मानना है कि आशा कार्यकर्ता पहले से ही ट्रेन है, वह बतौर ANM और बेहतर कार्य कर सकती हैं। ANM प्रत्येक बुधवार व शनिवार को केंद्रों पर पहुंचकर गर्भवती व शिशुओं का टीकाकरण तो करती ही है, साथ ही स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर गर्भवती व बच्चों की जांच भी करती है। डोर टू डोर अभियान के साथ सार्वजनिक स्तरों पर शिविर भी लगाती है। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK चौधरी, DTO डॉक्टर परवेज अख्तर, प्रशिक्षण केंद्र के सभी स्टाफ, छात्राओं तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मंत्री जी, हमारे जनपद को भी प्रदेश के साथ ही सौभाग्य का अवसर दिया है कि हमारी बेटियां प्रशिक्षित होकर के समाज की सेवा करें और उनकी गुणवत्ता के बारे में इतना चिंतित हैं कि अब तक तो निजी संस्थानों के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध होती थी, अब अच्छे लोगों के देख रेख में जो खुद अनुभवी और योग्य हैं उनके सानिध्य में जो प्रशिक्षण प्राप्त ज्योतियाँ आएंगी वो निश्चित रूप से बेहतर सेवा प्रदान करेंगी स्वास्थ्य के दिशा में। वहीं प्रदेश के जो डायलिसिस के सेंटर, जो हम गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रदेश के अन्य जनपदों में दिए थे, उसमें और इजाफा करते हुए 3 और नए सेंटर खोले गए हैं और जिस तरीके से दंत रोग की गंभीर समस्या समाज में व्याप्त हो रही है उसके तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आजमगढ़ को ठीक उसी तरह से लिया है जिस तरीके से प्रदेश के अन्य जनपदों को लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी बधाई देता हूं कि जब वह MP थे तब भी, जब हमारे जनपद में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था तब भी, सड़क हो चाहे वो हवाई जहाज का हवाई केंद्र हो या स्वास्थ्य की दिशा में हो, किसी में आजमगढ़ को छोड़ते नहीं, आजमगढ़ पर ध्यान रखते हैं और यही ध्यान रखे रहें हमारे जनपद के विकास की दिशा में, इसी तरह आशीर्वाद देते रहें, यही कामना है। देश में आज़ादी के 75वें साल का आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है जिसको लेकर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की तैयारी केंद्र सरकार की चल रही है जिसको लेकर राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी से लग गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी घर ऐसा छूट न जाए जिस घर में तिरंगा नारे से को लेकर शासन प्रशासन के लोग भी लग गए। इसे को लेकर बुधवार को RTO ऑफिस आजमगढ़ के अधिकारियों ने तिरंगा वितरण का एक कार्यक्रम भी रखा जिसमें लोगों को तिरंगा वितरित किया गया जिससे सरकार के सपनों को साकार करते हुए हर घर तिरंगा फहराया जा सके। RTO प्रशासन राम वृक्ष सोनकर ने बताया कि हर घर तिरंगा फहराए जाने के उद्देश्य से आज तिरंगा का वितरण किया जा रहा है। आजादी के 75 साल मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जाना है जिसको लेकर सरकार के सपनों को साकार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। आजादी का 75वें साल में भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर, हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम लोगों ने आज जो है इतने लगभग 50-100 सैकड़ों लोगों को तिरंगा बांटा है और उसके बारे में समझाया है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा देश की आन बान शान है और सम्मान सहित इसको जो है सरकार के निर्देशों के तहत मनाने के लिए हम लोगों ने इन लोगों को समझाया भी है, बताया भी है, वही अभियान के तहत बांटा जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर में इनर व्हील क्लब और इनर व्हील क्लब नवीली द्वारा संयुक्त में रक्षाबंधन पर कंपटीशन रखा गया जिसमें छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां एक दूसरे को राखी बांधी। इस अवसर पर रक्षाबंधन पर्व के महत्व के बारे में बच्चों को बताया गया, सभी बच्चों को गिफ्ट दिया गया, पुरस्कार दिया गया और साथ में ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराया गया। अमृत महोत्सव को देखते हुए इनर व्हील क्लब आजमगढ़ द्वारा ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराया गया जिसमें बच्चों को झंडा बनाने को कहा गया। बच्चों ने झंडा बनाया, 3 बच्चों को प्राइज मिली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कुछ बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इनर व्हील क्लब प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल, सचिव अमित लता सिंह, प्रिया अग्रवाल, वंदना सिंह, अलका सिंह, रुचि अग्रवाल, इनर व्हील क्लब नवेली प्रेसिडेंट आराधना अग्रवाल उपस्थित रही।
कार्यक्रम को सुचारू ढंग से करवाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य लोगों को धन्यवाद दिया गया। हाँ, आज जैसा कि सब जानता है कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार होता है। भाई बहन बहन भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई को राखी बांधती है। उस उपलक्ष्य में हम लोग नगर पालिका के शिशु मंदिर में जाके लड़कों को राखी बंधवाए, जिसमें बहुत खुश होकर के लड़कियों ने भाई स्वरूप लड़कों को राखी बांधी और हम लोगों ने बच्चों को सबको गिफ्ट दिया। सारे बच्चों 250 करीब 250 बच्चे थे, सब बच्चों को हम लोगों ने राखी सीटी टॉफी डिब्बी इत्यादि सामग्री बांटी बच्चों को। हाँ, और फिर उसके बाद हम लोगों ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, जैसा कि अमृत महोत्सव चल रहा है, उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने बच्चों से ड्राइंग कंपटीशन करवाया। ड्राइंग कंपटीशन में बच्चों ने कम से कम 60-70 बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया। हाँ, सब ने हर तरह के सब झंडे बनाए हमारे भारत माता आई लव यू इंडिया करके सब लिख के बहुत अच्छे, सब ने एक से एक ड्राइंग कंपटीशन किया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था किसको फर्स्ट दें किसको ना दें, लेकिन उसी में हम लोगों ने चूज़ करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्राइज़ दिया और बाकी सब बच्चों को कंसोलेशन प्राइज़ दिया। बहुत बच्चे खुश हुए। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ के नारों के साथ बुधवार को कुंवर सिंह उद्यान पहुंचे डेलम्स सनबीम स्कूल के इन बच्चों ने। पार्क में वृहद पैमाने पर पौधारोपण किया। विद्यालय के विभिन्न हाउसों के छात्रों ने ग्रुप ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों ने राखी सेलिब्रेशन के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के जरिए राखी प्रतियोगिता में भाग लिया। ट्रेडिशनल ड्रेसों में विद्यालय पहुंचे भैया बहनों ने पर्व के उत्साह में चार चांद लगा दिए। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। कुछ एक दृश्य बड़े ही सहज और मनोरंजक रहे, उन्हें आप भी देखिए। इस अवसर पर विद्यालय की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुसुम बांडे ने बताया कि आजमगढ़ को हरा भरा रखने के लिए विद्यालय परिवार द्वारा पौधारोपण के रूप में जहां एक छोटा सा प्रयास किया गया, तो वहीं राखी प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय के बच्चों ने तरह तरह की राखियां बनाकर प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय पर्यावरण में संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों को विद्यालयों द्वारा आयोजित किया गया। हम अपने आजमगढ़ को अधिक से अधिक प्लांटेशन के थ्रू ग्रीन बनाना चाहते हैं, जिससे सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, इस सब की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। हम बच्चों के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम पौधों को लगाएं और एक इस क्षेत्र में एक हमारा एक छोटा सा कदम है कि अधिक से अधिक पौधों को लगाएं और जागरूक बनाएं। एंड हमारे छोटे बच्चों ने राखी सेलिब्रेशन किया। राखी सेलिब्रेशन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स वे है। बहुत छोटे छोटे बच्चों ने कहीं दाल की राखी बनाई, कहीं धागों से राखी बंधाई, कहीं मूंगा से राखी बनाई और बादाम की राखी बनाई। और ट्रेडिशनल ड्रेस में बच्चे आए और अपने भाइयों को राखी बांधी, एक दूसरे को राखी बांधते हुए मिठाई खाई और रानी कर्मवती और बादशाह हुमायूं की प्रथा को जीवित, जो इंडियन कल्चर है उसे अधिक से अधिक बढ़ावा देना है, हमें जो इंडियन कल्चर है उसे जीवित रखना है। सारथी सेवा संस्थान के सचिव और क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य भाजपा युवा मोर्चा विनीत सिंह ऋषु के नेतृत्व में हाफिजपुर स्थित भगत सिंह जी की प्रतिमा के पास अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया। संस्था व युवा मोर्चा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर अमृत महोत्सव को सफल बनाने का संकल्प लेने के बाद देश प्रेम की अलग जगाएंगे, घर घर तिरंगा फहराने का उद्घोष करते हुए क्षेत्र में भ्रमण कर दूसरों को भी तिरंगा फहराने का संकल्प दिलाया। विनीत सिंह ऋषु ने कहा कि आज पूरे देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी के क्रम में हम आजमगढ़ के सभी युवाओं को जोड़ते हुए आज ये कार्यक्रम किया गया और युवा को संकल्प दिलाया गया कि 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लगवाने के लिए गांव-गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान करेंगे और सभी महापुरुषों के विचारों को भी बताएंगे। संस्था के कार्यकर्ता आशुतोष उपाध्याय ने कहा कि 15 अगस्त को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से जन जन में तिरंगे को लहराकर उसे सल्यूट करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
अमृत महोत्सव के इस अभियान को सफल बनाने में जन जन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी मिलकर सरकार के मिशन की कामयाब बनाने का संकल्प दिलवाया। इस कार्यक्रम में विनीत सिंह ऋषु, अश्विनी सिंह, संजय उपाध्याय, युवराज चौहान, नवीन चौहान, अंकित चौहान, उपेंद्र यादव, रवि यादव, उमेश प्रजापति, सत्यम चौहान, विनय सिंह, ऋषभ पांडे, आशुतोष पाठक, रमेश सिंह, अजीत सिंह है कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लोग भिन्न भिन्न तरीके से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग एक जन जागरूकता के तहत लोगों को जागरूक करना और हम सबके युवाओं के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना, साफ सफाई करने के साथ इसका शुरुआत किया गया। ये टीम गांव-गांव तक जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि आप 13 तारीख से 15 अगस्त तक तिरंगे को अपने घरों पर लगाएं। उसके नियम भी बताया जा रहा है कि किस नियम के तहत लगाना है और उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप भी इस तिरंगे को लगा करके और इसके महत्व को भी बताया जा रहा है। साथ साथ बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे, उनको भी जागरूक किया जा रहा है। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडर गार्मेंट्स एंड शूज, धमाका ऑफर, बाय वन गेट थ्री, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गार्मेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद, होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी, आजमगढ़।